हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, आज पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली हैं और शायद उन्हीं के बेसिस पर आपको थर्सडे को एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे 12 अगस्त 2021 को। याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई पर हैं हम लोग जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स हैं, और अभी लास्ट वीक हमने 550 पॉइंट्स की रैली देखी है निफ्टी के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है और सडन आया है। देखिए, वो धीरे धीरे नहीं आया है, वो इमीडिएटली दो दिन के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। आज अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो एक बार फिर से निफ्टी ने इंट्राडे ऑल टाइम हाई लगाए हैं, एक नया लेवल अचीव किया है। कितना? 16,359 का, तो एक नया इंट्राडे हाई बनाया है यहां पर। एंड क्लोजिंग होते होते 300 से भी नीचे, यानी कि 16,300 से भी नीचे की क्लोजिंग हमें मिली है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, जिस तरीके से आज ट्रेडिंग हुई है सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न कल भी था, क्योंकि कल भी इंट्राडे के अंदर वोलेटिलिटी हाई हुई थी और आज भी हमें देखने को मिला कि स्टार्टिंग होती है इंडिया विक्स की 12.7060 के आसपास से, इंट्राडे में 13 के लेवल क्रॉस होते हैं एंड वापस जब मार्केट क्लोज होने लगा तो फिर से वही लेवल आ गए जो जिस पॉइंट से शुरुआत हुई थी। एंड एग्जैक्टली सेम कंडीशन कल भी हमने देखी थी निफ्टी पे और एग्जैक्टली आज भी हमने देखी है। अब एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है, इस डोजी कैंडल की फॉर्मेशन को टेक्निकल लैंग्वेज में इनडिसाइसिवनेस कहते हैं। मार्केट के अंदर इनडिसाइसिवनेस है, यानी कि नहीं पता लोगों को कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बिल्कुल, मैं भी इसको कंफ्यूजन स्टेज ही बोलता हूं। इस वक्त मार्केट एक ऐसी कंफ्यूजन स्टेज पे है कि कोई मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट का कि आने वाले टाइम में क्या रह सकता है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं ओआई के हिसाब से, अदर फैक्टर्स के हिसाब से क्या कुछ मार्केट यहां पर अब कल करके दिखा सकता है। अब यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी चाहिए, बार बार रिपीट करता हूं कि कल वेंसडे है और वेंसडे को यूजुअली वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकवाली भी ज्यादा आती है, खरीदारी भी ज्यादा होती है, लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना वेंसडे को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कल जिस तरीके से आज वोलेटिलिटी बढ़ी है, कल भी आपको देखने को मिल सकती है, इन लेवल से भी ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, आज किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया वो हम लोग पहले 1 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग मिली, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो थे ऑल ओवर वो सारे पॉजिटिव की साइड में ही थे, कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं थी ग्लोबल मार्केट से, एंड वहां से हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलती है। गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद हम लोग एक अच्छे खासे टाइम को कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि तकरीबन 10 बजे तक हमने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आया और फिर उन लेवल्स के ऊपर निफ्टी कंसोलिडेट हुआ। अब देखिए, पॉइंट क्या था कि टर्न अराउंड आया तकरीबन 1:45 बजे। 1:45 बजे टर्न अराउंड आता है जब यहां पर शार्प इंट्राडे सेलिंग हमें देखने को मिली। किन लेवल से? आप देखिए, 16,340 के लेवल से हमारा निफ्टी पहुंचा 16,200 के ऑड लेवल्स पर। इतनी जबरदस्त बिकवाली यहां पर आई है विद इन फ्यू मिनट्स, आप ये चीज देख सकते हैं। तकरीबन 140-145 पॉइंट की गिरावट कुछ मिनटों में आती है। फिर देखिए, एक बॉटम बनाया, पिन बार कैंडल यहां पर बनी है, उसके बाद में हमने रिकवर किया एंड जो गिरावट आई थी टोटल उसका एटलीस्ट हाफ ऑफ द मार्क हमने यहां पर रिकवर कर लिया था। क्लोजिंग होते होते क्लोजिंग हुई है 16,268 पर, 300 से नीचे। अब इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आज ट्यूजडे के दिन आना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन एनालिसिस पर, कि किस तरीके से 16,300 के ऊपर जो स्ट्रैडल बना हुआ था उस स्ट्रैडल से पोजीशंस आउट हुई है, यानी कि पुट साइड में जो सेलर्स बैठे थे उन्होंने इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया एंड अपनी पोजीशन शिफ्ट करी है 16,200 के ऊपर। 1 लाख से ज्यादा शेयर्स का वहां पर आउटस्टैंडिंग वही दिखा रहा था जो अब कन्वर्ट होके बेसिकली 16,200 पर पहुंच गया, यानी कि अब ओआई के हिसाब से यहां से ये चीज पता चल रही है कि शायद 16,200 के लेवल्स हो सकते हैं जहां पर निफ्टी को क्लोज होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे ओआई में, फिलहाल देखते हैं। देखिए, एफआईआईज ने डीआईआईज ने आज क्या कुछ किया है, तो यहां पर 178 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने करी है जबकि डीआईआईज ने 689 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, एक दिन खरीदारी हो रही है, एक दिन बिकवाली हो रही है, सेम कंडीशन चल रही है डीआईआईज की तरफ से, तो यहां से कोई क्लियर रुख नहीं पता चल रहा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। अब देखिए, ओआई पे चलने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ भी निगाह डाल लेते हैं। इस वक्त तकरीबन 8:10 बजे हैं एंड अमेरिकी मार्केट्स खुल चुके हैं
एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ में डाउ जोन्स 157 पॉइंट्स की तेजी के साथ इस वक्त कामकाज कर रहा है। S&P 500 भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, नेस्डेक ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि यूएस के मार्केट जो है प्योरली यहां पे पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट्स की, आज जितने भी यूरोपियन मार्केट्स के अंदर क्लोजिंग हुई है सब पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर हुई है, सब पॉजिटिव है। एंड अगर हम बात करें चाइना एंड हांगकांग की, तो वहां पर भी आप अगर देखेंगे चाइना के अंदर 2.20% की तेजी है, जबकि हांगकांग में 1.23% की तेजी है। दोनों ही मार्केट्स बहुत तेजी के साथ में बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये इंडिकेशन है कि किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट या तो कंसोलिडेशन के मोड में है या फिर ऊपर जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। इट मींस देखिए कि ग्लोबल मार्केट से अभी तो कोई नेगेटिव न्यूज आपके सामने नहीं है। इंडेक्स की बात करें तो आज भी एक सरप्राइजिंग चीज है कि देखिए आज भी बैंक निफ्टी, उसके बाद में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी आईटी ग्रीन सिग्नल के साथ में, यानी कि ग्रीन साइन के साथ में, बाकी सारे इंडेक्स के अंदर आपको लाल निशान दिखाई देगा। एग्जैक्टली कल की कॉपी है, कल भी ऐसा ही सिनेरियो था, कोई भी इंडेक्स नहीं चल रहा है पिछले दो दिन से। और आज की जो बात बताऊं मैं आपको, स्मॉल कैप के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप जितने भी इंडेक्स है हमारे पास में स्मॉल कैप एंड मिड कैप के, वहां पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 2% से ज्यादा की गिरावट स्मॉल कैप के अंदर है। अब देखिए ओआई के डेटा पर आते हैं और यहां से पता लगाते हैं कि अब किस तरीके का मूव है। आज इतनी बड़ी इंट्राडे गिरावट हमने देखी है, कल मार्केट किस तरीके से पोजिशन हो सकते हैं। 16,300 जो अगला लेवल होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वहां पर 1,00,000 से ज्यादा, यहां पर आप देख रहे हैं 1,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई, 1,00,000 से ज्यादा का ओआई यहां पर होना, इट मींस कि हैवी रेजिस्टेंस शो कर रहा है 16,300 के ऊपर। एंड आज दिन में उस गिरावट से ठीक पहले, यानी कि 1:45 से ठीक पहले 16,300 के ऊपर पुट साइड में 1,04,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई था, यानी कि 16,300 के ऊपर स्ट्रैडल्स बने हुए थे लोगों के और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आने वाले टाइम में 16,300 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाए। लेकिन जो सडन फॉल आया, इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग जो आई, यहां से लोगों ने पोजीशन एग्जिट करी है एंड इसका जो बेसिकली आउटस्टैंडिंग ओआई है वो बिल्कुल आधा रह गया। 56,180 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर आपको दिखा रहा है, जस्ट हाफ ऑफ व्हाट इट हैव अचीव्ड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि देखिए पुट साइड से 16,300 के ऊपर अगर सेलिंग हटी है और कहां पर पहुंची है, 16,200 पर। आप ये देखिए तकरीबन 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है, 25,000 का एडिशन है और ये भी दिन में आप मान के चलिए तकरीबन 1,10,000 के आसपास की फिगर यहां पर दिखाई दे रहा था, आउटस्टैंडिंग हुआ की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से पोजीशन कट के ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी कि 16,200 के ऊपर लोग बुलिश हैं 16,300 के कंपैरिजन में। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि 16,300 पर एक रेजिस्टेंस बैठा है कॉल साइड में एंड 16,200 पर एक सपोर्ट बैठा है पुट साइड में। तो कहीं ना कहीं 200 से लेके 300 के बीच में एक्सपायरी होते हुए देखने को मिल सकती है अगर इस डेटा में कोई मेजर चेंजेस नहीं आते हैं कल वेंसडे के दिन। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है, इसलिए डेफिनेटली ये पिक्चर चेंज हो सकती है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो 16,400 के ऊपर एक हर्डल है 97,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो शायद इसको ऊपर की तरफ ना जाने दे। एंड अगर यहां पर नीचे की तरफ निफ्टी निकलता है तो अगेन 16,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट टूट पाएगा। और अगर देखिए 16,200 भी ब्रेक होता है किसी सर्कमस्टेंसेस में किसी हैवी सेलिंग के अंदर, देन 16,100 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे की हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ ही है, क्योंकि निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, इसलिए देखिए 150 से 200 पॉइंट की ट्रैवलिंग निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, खासकर एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले जो कल हम देख सकते हैं। एंड मैंने एक लेवल आपको बताए थे कल भी आर्ली चार्ट्स पर कि 16,190 के वो लेवल्स हैं, अगर वो क्रैक होते हैं तो हमें स्लाइटली बियरिश होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स के ऊपर 16,190 का, वो ब्रेक हुए इंट्राडे के अंदर तो स्लाइटली बियरिश ट्रेंड आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा ऑल ओवर निफ्टी पे। तो इस तरीके से देखिए एक ब्रॉडर रेंज में डिफाइन करूं तो 16,100 से लेकर 16,400 की बैठती है, जो कि तकरीबन 300 पॉइंट्स की है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी नहीं हाई होती तो 16,200 से लेकर 16,400 की 200 पॉइंट्स की आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर कल।
तो अपनी देखिए ट्रेड्स को बड़ी समझदारी के साथ में वाइजली लीजिएगा एंड इंट्राडे के अंदर ही प्ले कीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है थर्सडे को, जो आपके प्रीमियम्स को काफी हद तक रिड्यूस कर दे। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इंट्राडे में ज्यादा से ज्यादा प्ले कीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए अपनी पोजीशंस को। तो ऑल ओवर इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।